मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलू तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलू तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। नज़दीक रहेंगे तो आना जाना होगा, हम भक्तों का बाबा मिलना जुलना होगा। सब भजन करे मिलकर जल्दी वो दिन आए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। ओम साई राम। साई बाबा सबकी रक्षा करना और सही राह दिखाना। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 50। महासमाधि बाबा का निर्वाण काल। महासमाधि का पूर्व संकेत, रामचंद्र व तात्या की मृत्यु को टालना, लक्ष्मीबाई शिंदे को दान व शिक्षा, अंतिम क्षण में बाबा। महासमाधि बाबा का निर्वाण काल। जिस पर गुरु कृपा हो जाती है वह भव बंधन से मुक्त होकर परमात्मा के परम धाम में वास करता है, लेकिन जो सद्गुरु से विमुख रहता है वह अभागा है। ऐसा मनुष्य भव बंधन में जकड़ता ही चला जाता है, इसलिए सद्गुरु के मोहनाशक श्री चरणों का सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। श्री साई बाबा समय के सद्गुरु थे, उनका सानिध्य व कृपा प्राप्त कर अनेक भक्तों ने अपना कल्याण किया। ऐसे सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज ने 15 अक्टूबर 1918 को दोपहर 2:30 पर महासमाधि ले ली। समाधि लेने से 17 दिन पूर्व 28 सितंबर 1918 को उन्हें सामान्य सा बुखार आया था, जो 2 दिन तक रहा। बाबा के निर्वाण काल की यह तारीख तिथि प्रोफेसर जी नारके के एक पत्र पर आधारित है, जो उन्होंने दादा साहिब खारपड़े को 5 नवंबर 1918 को लिखा था। बाद में वे पत्र श्री साई लीला पत्रिका के प्रारंभिक वर्ष में पृष्ठ 7-8 में प्रकाशित भी हुआ था। महासमाधि का पूर्व संकेत। श्री साई बाबा ने अपने निर्वाण काल महासमाधि का संकेत 2 वर्ष पूर्व ही दे दिया था, लेकिन उस समय बाबा के संकेत को कोई भी नहीं समझ पाया था। हुआ यह था कि विजयदशमी के दिन बाबा संध्या काल में सीमा उल्लंघन से लौट रहे थे, तब वे एकाएक क्रोधित हो गए और सिर पर बांधने वाला कपड़ा, कंफनी व लंगोटी को शरीर से अलग कर टुकड़े टुकड़े कर प्रज्वलित धुनी में फेंक दिया। बाबा के ऐसा करने से धुनी दुगनी प्रज्वलित हो गई। बाबा का मुख मंडल भी क्रोधावेश के कारण दमक रहा था। क्रोधावेश में ही वे ऊंचे स्वर में बोले कि लोगों, यहाँ आओ और मुझे देखो। मुझे देखकर तुम अच्छी तरह निर्णय कर लो कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। बाबा का वह रूप देखकर सभी भयभीत हो गए। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वे उनके निकट जा पाते। आखिर कुछ देर बाद उनके परम भक्त भागोजी शिंदे ने साहस जुटाया और बाबा के निकट जाकर उन्होंने किसी तरह उनकी लंगोट बांध दी। हालांकि स्वयं शिंदे रोगग्रस्त थे और पीड़ित भी थे। लंगोट बांधने के बाद शिंदे बाबा से बोले कि बाबा, आज आपको क्या हो गया? आज तो सिंहोलिंग दशहरे का पर्व है। शिंदे ने जब ऐसा कहा तो बाबा ने सटके को जमीन पर पटकते हुए कहा कि यह मेरा सिंहोल्लंघन है। 11 बज चुकने के बाद भी जब बाबा का क्रोध शांत नहीं हुआ तो बाबा के भक्तों को संदेह होने लगा कि आज चावड़ी जुलूस निकल भी पाएगा अथवा नहीं। आखिर 1 घंटे बाद यानी 11 बजे बाबा का क्रोध शांत हुआ। फिर उन्होंने सदैव की तरह पोशाक धारण की और चावड़ी जुलूस में शामिल हुए। इस घटना से बाबा ने संकेत दे दिया कि वे दशहरे के दिन ही महासमाधि लेंगे, लेकिन उस समय किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसके अतिरिक्त बाबा ने कई अन्य भी संकेत किए थे, जो यहाँ क्रमशः दिए जा रहे हैं।
रामचंद्र व तात्या की मृत्यु को टालना। रामचंद्र का पूरा नाम रामचंद्र दादा पाटिल था। उपरोक्त घटना के कुछ समय बाद ही वे रोगग्रस्त हो गए। रोग भी पीड़ादायी था। काफी उपचार करवाने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ था, इसलिए रामचंद्र अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। तब एक दिन अर्धरात्रि के समय बाबा अचानक ही रामचंद्र पाटिल के सिरहाने आकर खड़े हो गए। उस समय रामचंद्र ने बाबा के चरणों को कसकर पकड़ लिया और पूछा कि मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि मेरी मृत्यु कब होगी, मैंने तो जीवन की आशा ही छोड़ दी है। बाबा ने रामचंद्र से कहा कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे क्योंकि तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है, लेकिन भय तो मुझे तात्या का है जो दशहरे के दिन शरीर छोड़ देगा। फिर वे बोले कि यह गुप्त बात किसी को भी मत बताना और तात्या को तो बिल्कुल भी मत बताना, वरना वे मृत्यु के भय से भयभीत हो जाएगा। रामचंद्र इस बात को जानते थे कि बाबा के वचन मिथ्या नहीं होते, इसलिए निश्चय ही 2 वर्ष बाद को दशहरे के दिन तात्या इस संसार से चले जाएंगे, यह बात उन्होंने बाला शिंपी को बता दी। इस तरह ये इस रहस्य को रामचंद्र व बाला शिंपी ही जानते थे। ये दोनों तात्या की तरफ से काफी चिंतित थे। रामचंद्र तो पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे, लेकिन शक संवत 1840 का भाद्रपद मास समाप्त होकर आश्विनी मास शुरू होने वाला था, तभी तात्या बीमार हो गए और उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वे बाबा के दर्शन करने भी नहीं जा पाते थे। दूसरी ओर बाबा को भी बुखार हो गया था। तात्या को बाबा व उनके भगवान पर पूरा भरोसा था। दिन पर दिन तात्या की स्थिति गंभीर होती चली गई। वे अब हिलडुल भी नहीं सकते थे और सदैव बाबा का ही स्मरण किया करते थे। बाबा की स्थिति भी नाजुक हो चुकी थी। जब दशहरे का दिन निकट आया तो रामचंद्र व बाला शिंपी काफी घबरा गए, यह सोचकर कि अब तात्या का साथ छूट जाएगा। उन दोनों को पसीना छूट रहे थे। जिस दिन विजयदशमी थी, तात्या की नाड़ी की गति धीमी पड़ने लगी और उनकी मृत्यु निकट दिखाई देने लगी। लेकिन तभी एक विचित्र घटना घट गई। तात्या के तो प्राण बच गए, लेकिन बाबा स्वयं महासमाधि में चले गए। ऐसा लगने लगा जैसे बाबा ने तात्या को जीवन देने के लिए स्वयं जीवन का त्याग कर दिया। बाबा ने ऐसा क्यों किया, यह तो वही जाने। संभवतः उन्होंने तात्या की मृत्यु की बात कहकर स्वयं के महाप्रयाण का ही संकेत किया था। महाप्रयाण से अगले दिन यानी 16 अक्टूबर को बाबा ने अपने भक्त दासगणु को पंडरपुर में स्वप्न देकर सूचित किया था कि मस्जिद भर भरा कर धराशायी हो गई है। बाबा ने दासगणु को स्वप्न में कहा था कि शिरडी के तेली तंबोली मुझे पीड़ित करते थे, इसलिए मैंने वह स्थान त्याग दिया है। मैं तुम्हें यही सूचित करने आया हूँ कि तुम वहाँ जल्दी जाकर मेरे शरीर पर हर प्रकार के पुष्प एकत्र करके चढ़ाओ। बाद में दासगणु को शिरडी से भी इस आशय का एक पत्र मिला, तो वे शिष्यों के साथ शिरडी आए और बाबा की समाधि के सामने अखंड कीर्तन व हरि नाम शुरू कर दिया। दासगणु ने पुष्पों की माला बनाकर समाधि पर चढ़ाई। बाद में बाबा के नाम से विशाल भोज का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि लक्ष्मीबाई शिंदे को बाबा ने किस तरह दान व शिक्षा दी। तब तक साई स्मरण करते रहिए और अच्छे कार्य करिए। ओम साई राम, जय साई राम।